जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अभी अब अगर अखबारों में पढ़ें या न्यूज चैनल्स पे देखें, टीवी पर देखें, तो ब्लैक फंगस की काफी चर्चा हो रही है। और यह मैं बताना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस है जो कि आपके इन्वायरमेंट में रहता है, लेकिन जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो वह ब्रेन के साइनेसिस को और कई बार जो ब्रेन में पास होने वाली रक्त धमनियां जैसे कैरोटिड आर्टरी है उनको इन्वॉल्व करता है, और उसकी वजह से आंखों में सूजन, आंखों में कालापन और देखने की रोशनी जाने की संभावना हो सकती है। इसका ये एक कारण यह है कि म्यूकर माइकोसिस के या ब्लैक फंगस कह ले, केसेस ज्यादा इसलिए मिल रहे हैं कि कोरोना वायरस के समय पेशेंट को मोस्ट ऑक्सीजन देते हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, पेशेंट को कई तरह की दवाइयां दी जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो दवा है वो डेक्सामेथासोन और स्टेरॉयड की जो दवाइयां हैं, उससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। और यह दवा फायदेमंद तो है, लेकिन इससे हमारी इम्यूनिटी में गिरावट आती है,